नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ भगवती से मेरी प्रार्थना कि आप सभी लोग साधना क्षेत्र में अपने आप को तरक्की के उस मुकाम पर ले जाएं जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो आज हम आप लोगों को इस नवरात्रि के अवसर पर एक ऐसी साधना देंगे जो प्रत्यक्ष साधना है। आपने साधनाएं तो बहुत सारी करी होंगी, विधान तो बहुत सारे आपको पता होंगे, मंत्र आपको बहुत सारे पता होंगे, लेकिन इनमें से कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ कार्य सिद्धि के मंत्र होते हैं, जिनमें आप उस मंत्र की जब आप सिद्धि करते हैं, जाप करते हैं, तो वह मंत्र आपका अनुष्ठान पूरा होने के बाद क्रियाशील हो जाता है, लेकिन उसमें आप शक्ति को देख नहीं पाते हैं। देवी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है या जिस देवता की आप साधना आराधना कर रहे हैं उसकी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन वह शक्ति आपको दिखती नहीं है जिसकी आपने साधना की है, अनुष्ठान किया है। तो आज हम आप लोगों को माता काली का वह अनुष्ठान बताने जा रहा हूँ जो प्रत्यक्ष सिद्धि यानी कि आपको सिद्धि दिखाई देती है, और इसको मैं सिर्फ नवरात्र में करने के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, और इसे आप अन्य दिनों में करना चाहेंगे तो ये साधना 21 दिन की साधना है, लेकिन अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो यह साधना मात्र नौमी तक की जाएगी, 9 दिनों की साधना है, नौमी को आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। तो आज नवरात्रि के अवसर पर मैं आप लोगों को मंत्र देता हूँ। सबसे पहले आप लोग मंत्र को सुने, उसके बाद इस विधान को सुने और पूरी ईमानदारी से पूरी लगन के साथ आप इसको नोट करें और साधना करें। मंत्र है ओम क्रीम क्रीम दक्षिण काली के प्रत्यक्ष क्रीम क्रीम फट। ये नॉर्मल मंत्र नहीं है, ये माता काली के स्वरूप है, दक्षिण काली स्वरूप, इसका ये मंत्र है ओम क्रीम क्रीम दक्षिण काली के प्रत्यक्ष क्रीम क्रीम फट। इस मंत्र का आप अगर पाठ करते हैं तो इसमें माता के दर्शन आपको हर हाल में होते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी तप जो आपने तपस्या की है, आपने जो तप किया है, जो आपने साधना की है, जो आपने आराधना की है, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा, लेकिन इसमें दर्शन जरूर होते हैं। अगर आप आसन पर बैठे बैठे शक्ति को नहीं देख पाए किसी कारणवश, साधना में कमी के वजह से, या आपकी जो मेहनत करने का जो तरीका है वो थोड़ा कम सही है, फिर भी आप स्वप्न के माध्यम से देवी के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। करना क्या है, आप पहले अपने गुरु को नमन करें, अपने इष्ट को नमन करें, और अपने आसन पर बैठते हुए आसन पे आप पहले आसन को शुद्धिकरण करें, उसके बाद अपने सामने माता काली की एक फोटो रखें, और ये साधना नवरात्र में की जाएगी। अन्य दिनों में अगर आप करते हैं तो 21 दिन की साधना है। तो उसके बाद आप आसन पर बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे, अपने सामने माता के लिए भोग में मीठा रखेंगे और सामने पुष्प, जायफल, लौंग, कापूर और सिंदूर, और अगर हो सके तो श्रृंगार की, जो जिन्हें आप 16 श्रृंगार कहते हैं, महिलाएं जो श्रृंगार करती हैं, इसकी वस्तु, सभी वस्तुएं आप अपने सामने बजोट पे रखें और बैठ के जाप करें। इस मंत्र की आप नित्य 11 माला जाप करेंगे, ज़्यादा जाप नहीं करना है, सिर्फ 11 माला जाप करना है। पूरी मेहनत, लगन, पूरे विश्वास के साथ आप जाप करें, 11 माला नित्य जाप करें, 9 दिन तक करें, और जाप का जो समय है वह मध्य रात्रि का बोला गया है, यानी 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आप ये साधना करें, और ये साधना 3 बजे से पहले पहले आपकी संपन्न हो जानी चाहिए, यानी रात के 10 बजे से सुबह के
ब्रह्म मुहूर्त के 3 बजे से पहले पहले आपकी ये साधना पूरी हो जाए। और साधना में आप जो लौंग का फूल नींबू रखेंगे, इसका आप जो है वही स्थान पे भोग देंगे, यानी कि माता को नमन करते हुए मंत्र को पढ़ते हुए जब आप आपका जाप पूरा हो जाए तो आप नींबू को बलि स्वरूप कट करेंगे और उसके ऊपर नींबू के लौंग और कपूर रख के उसे जला देंगे। ये क्रिया आप नित्य करेंगे, 9 दिनों तक करेंगे। आप देखेंगे कि 9वीं के दिन आपको देवी के दर्शन प्राप्त होंगे और आपकी जो मनोकामना पूरी है पूरी होने वाली है, या आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो ये जो साधना है ये प्रत्यक्ष साधना है, आपको इसमें देवी के दर्शन प्राप्त होते हैं और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो कार्य बनते हैं। अगर आप इस मंत्र के माध्यम से आप संकल्प लेकर के कोई कार्य करना चाहें तो संकल्प लेकर के भी कार्य कर सकते हैं। और इस मंत्र के आप जब जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसमें आपको सुरक्षा कवच लगा भी सकते हैं। अगर आप नए साधक हैं, अगर आप पुराने साधक हैं, आप निर्भीक हैं, निडर हैं, तो आप इसमें कवच लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये साधना कोई उग्र साधना नहीं है, सौम्य साधना है। इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना को नए साधक भी कर सकते हैं और पुराने साधक भी कर सकते हैं। तो ये साधना आप लोग करिए और आपको जो साधना में अनुभव नहीं होते हैं आपको अनुभव होंगे, आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये साधना आप करेंगे। और जो ऐसे साधक हैं जिनके पास इनको ये नहीं पता होता है कि कौन सा मंत्र कार्य सिद्धि का मंत्र है और कौन सा मंत्र जो है सिद्धि का मंत्र है जिसमें शक्ति के दर्शन होते हैं, तो ये एक दर्शनी मंत्र है। आप इसका पाठ करिए और पूरी विश्वास से कीजिए, पूरी एक लगन से कीजिए और आपकी जो मनोरथ है वो पूर्ण होगा, देवी के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। इसी मंगल कामना के साथ जय शिवा शक्ति, नमस्कार।